नमस्कार, groundcore.in में आज के एक्सप्लेनेशन में मैं वाहिद भट्ट आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो टेंडर निकले रिसेंटली और उसके बाद बाहर के लोगों को किस तरह से जम्मू कश्मीर में एंट्री हुई काम करने के लिए। जी हाँ, बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर में रिवर जहलिम की, और उसका एक टेंडर निकलता है बाज़ाब्ता, जो जम्मू कश्मीर की सरकार है वो टेंडर निकालती है। उसके बाद उस टेंडर को बहुत सारे लोग जो है अप्लाई करते हैं, उसके बाद उसकी बैटिंग होती है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। और यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो यहाँ के लोग हैं वो बैटिंग में हिस्सा नहीं ले पाए, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से 4G बंद है और आसान नहीं रहता कि 2G इंटरनेट पे कोई भी फॉर्म सबमिट किया जाए। हालांकि अब जब बैटिंग पूरी हुई, उसके बाद जब बैटिंग के रिजल्ट सामने आए, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए बहुत ही दुख भरी कहानी सामने बन के आई। अब दुख भरी कहानी क्यों है, क्योंकि इस बार जो जम्मू कश्मीर में बैटिंग हुई, ऐसा 1947 के बाद पहली बार हो रहा है कि बाहर की कंपनियां जो है वो यहां के रिवर जहलिम में काम करेगी। श्रीनगर के 10 ब्लॉक्स में 5.5 करोड़ की बैटिंग हुई, और जिसमें पूरे के पूरे 10 ब्लॉक्स जो है वो बाहर की कंपनियों को दिए गए, चाहे वो कंपनियां पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं, हरियाणा से हैं, बहुत सारी स्टेट से बिलोंग करती है जिन्होंने हिस्सा लिया और उनको वो काम दिया गया। वहीं जहां हम नारद कश्मीर की बात करें, एक बहुत बड़ा एरिया कश्मीर घाटी का, वहां पे 40 के आसपास जो ब्लॉक्स हैं वो बाहर की कंपनियों को दिए गए, और उसकी जो बैटिंग होती है वो 20.5 करोड़ के आसपास होती है। और यहाँ पर ये थमने का नाम नहीं लेता। उसके बाद बड़गाम की बात करें तो बड़गाम में 4.5 करोड़ 7 ब्लॉक्स में, वहीं पुलवामा में जो है 70% जो है वो बाहर की कंपनियों को दिया जाता है। और यहाँ के लोग जो है वो पूरी तरह से मायूस हुए, मायूस इस बात से हुए क्योंकि इस बार जो रेत की कीमत है, एक तो वो बढ़ रही है, और दूसरा ये है कि जो लोग यहाँ के लोकल कंस्ट्रक्चर्स हैं, जो लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, उनको मौका नहीं मिलेगा काम करने का, और उससे अनएम्प्लॉयमेंट का जरिया और बढ़ने के आसार है। जहाँ हमने कोशिश की थी कि हम बात करें, हम लोगों से जाने जो कंस्ट्रक्शन में जो हिस्सा लेते हैं उनसे कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट सेवाएं बंद होने की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत हुई। अब देखना ये होगा कि इंटरनेट सेवाएं किस तरह से खुलती है, और ये रास्ता जो खुल गया है काम करने का बाहर के कंपनीज को, अब कितनी डेवलपमेंट यहाँ पर देखी जाएगी। कैमरामैन शाकिर निसार के साथ वाहिद भट्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, श्रीनगर।